हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरह की 3D टेक्स्ट डिजाइन कोरल ड्रॉ में बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेना है कोई भी, और इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है इस तरीके से। अब पिक टूल लेना है और इसकी फॉन्ट स्टाइल आपके अनुसार रख लेनी है। मैं ये फॉन्ट स्टाइल रख लेता हूँ। अब फ्री हैंड टूल के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और इस 2-point लाइन को सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल प्रेस करके एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेनी है माउस से। अब शेप टूल लेना है और इस लाइन पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके इस लाइन को कन्वर्ट टू कर्व कर देनी है। अब इस लाइन को थोड़ी सी इस तरीके से कर्व करनी है जैसा कि मैं करता हूँ। अच्छे से कर्व हो जाने के बाद पिक टूल लेना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके माउस से इस तरीके से ड्रैग करना है इस लाइन को, और माउस की राइट की प्रेस करके छोड़ देना है। तो इस तरह से लाइन कॉपी हो जाएगी। अब स्मार्ट फिल टूल लेना है और इसमें बाय डिफॉल्ट कलर फिल कर लेना है जैसे कि मैं करता हूँ। अब पिक टूल लेना है और लाइन से ऊपर वाले भाग में आपके अनुसार कलर फिल कर देना है। टेक्स्ट के बीच वाले पार्ट में मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। आपको भी इस तरह से कलर फिल कर देना है कम्प्लीटली। इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर देना है। अब इस टेक्स्ट को कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर देना है। अब इसकी आउटलाइन में माउस की राइट की प्रेस करके ये कलर फिल कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन में ये कलर फिल कर देता हूँ मैं। अब इस टूल के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और इस ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करना है और माउस से इस तरीके से ड्रैग करना है तो ये टेक्स्ट 3D बन जाएगा इस तरीके से। अब बिग टूल लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है और इस नंबर में 50 कर देना है और एंटर प्रेस करना है और इस टेक्स्ट को आपके अनुसार एडजस्ट कर लेना है जैसा कि मैं करता हूँ। अब बैकग्राउंड बनाना है, इसके लिए रेक्टेंगल टूल लेना है और माउस से इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है और इसमें आपके अनुसार कोई भी कलर फिल कर लेना है। अब कंट्रोल एंड प्रेस करना है तो ये बैकग्राउंड बैक में चला जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपके अनुसार बैकग्राउंड कलर सेट कर लेना है जैसे कि मैं करता हूँ। कलर कंप्लीट सेट हो जाने के बाद ओके प्रेस करना है। अब यह 3D टेक्स्ट डिजाइन कंप्लीट तैयार हो चुकी है। आपको यह डिजाइन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।